दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बारिश कराने का सुझाव दिया था। दिल्ली में पर्याप्त बादलों की कमी और कृत्रिम बारिश के लिए वायुयान के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलने से इस प्लान को अमल में लाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में जिस कदर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इसका एक सॉल्यूशन, एक सुझाव देखा गया था, आर्टिफिशियल रेन, लेकिन मौसम इसमें एक बड़ा बाधक बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत अभी आर्टिफिशियल रेन की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि इसके लिए एक विमान की ज़रूरत पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए मौसम संबंधी परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल नहीं है। इस वजह से फिलहाल ये योजना लागू कर पाना संभव नहीं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली और आसपास हवा की गति के चलते प्रदूषण कम होने की संभावना है। दिल्ली NCR में अभी हवा रेनफॉल होने की संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों तक हमारे पास जो विंड डायरेक्शन है और वो नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगी और विंड स्पीड थोड़ी सी हमारे पास बढ़ेगी। तो चूंकि विंड स्पीड बढ़ने से हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट हैं वो थोड़ा डिस्पर्स होंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, तो इससे एयर क्वालिटी इम्प्रूव होने की संभावना है। तो ये एक सिचुएशन जो है अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ और नमक कणों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए बादलों को सघनता प्रदान कर बारिश कराया जाता है। हालांकि एक्सपर्ट इस संभावना पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि प्रदूषण कम करने के लिए ये ठोस उपाय नहीं है। विश्व में कहीं भी ऐसा स्टडी नहीं किया गया है जिससे ये कहा जाए कि एक एविडेंस है कि एयर पोल्यूशन इससे कम होता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं एक क्लाउड सीडिंग में, एक आर्टिफिशियल रेन करने में। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही गहरा सवाल उठाना चाहता हूँ क्लाउड सीडिंग के पर्पस और उसके इम्पैक्ट को लेकर। दूसरा, जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो असल में सिस्टेमिक सोल्यूशन जो इसके बारे में ढूंढना चाहिए था सरकार को, जो केंद्रीय मंत्रालय है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसके ऊपर कुछ भी ठोस कदम नहीं हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की संभावनाओं की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन बादलों की कमी और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इस संबंध में मंजूरी के बगैर ऐसा संभव नहीं है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर हालांकि गिरने की संभावना है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल रेन भी एक तरीके का सत्ते जैसा ही मामला है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है आर्टिफिशियल रेन से जो प्रदूषण कम होने की संभावना है वो भी एक तरीके का गैम्बल है, जिससे कोई पुख्ता और ठोस तरीके का सुझाव जिसको नहीं माना जा रहा है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।